किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया। किसान भाइयों, आज है 13 अप्रैल और 45 दिन पहले मैंने आपको अमरूद के कटिंग की प्रोग्रेस दिखाई थी। जगह वही है, ये मेरा घर है और इस अमरूद में आज लगभग ये समझिए कि 60 दिन हो चुके हैं। आज मैं अब इसमें जो शाखाएं उगाई हैं उनकी काट छांट और कैनोपी कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करूँ। जो शाखाएं निकली हैं वो भी छोटी हैं तो बहुत बड़े कटर की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए ये मैंने 3 सामान लिए हैं। देखिए, ये कैंची है, एक छोटी सी कैंची है, ये एक रुई का फोया है और ये मैंने बताया था आपको जो इसको स्टरलाइज करने के लिए एक सॉल्यूशन है। ये कुछ नहीं है, मेरा आफ्टर सेव है तो मैं इसमें इसको इस प्रकार भिगो लूँगा आफ्टर सेव को। देखिए, मैंने बताया था सफाई का हर जगह महत्व है तो मैं इस कैंची को स्टरलाइज कर लूँगा इसको बहुत अच्छी तरह, और अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगा। किसान भाइयों, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या अभी कटिंग कर लें और या नहीं करें या कब करें कटिंग। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो हमारा अमेजिंग किसान व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये बात बहुत क्लियर अच्छे तरीके से बता दी है हमारे जैन साहब ने कि पहले 3 साल तक पौधों को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। अगर आप अब कटिंग कर देंगे उसकी बहुत कोमल पत्ते निकलेंगे, और अगर गर्मी ज़्यादा है, जैसे मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी, लेकिन राजस्थान और गुजरात में बहुत गर्मी है, तो जो कोमल कोमल पत्ते निकलेंगे, नए बड्स निकलेंगे, वो फूकने का डर रहेगा। बड़े उसमें आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आप कटिंग का जो सही समय है जो मैं बताता हूँ, जब तक कैनोपी बनाना है आपको तब तक फरवरी और जून का सप्ताह होता है, क्योंकि जून के बाद बरसात आनी शुरू होती है, पौधे को शांति मिलेगी, थोड़ा गर्मी नहीं होगी, इस प्रकार आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि हमें अब कौन सी शाखाएँ रखनी है और कौन सी नहीं रखनी। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए, ये वो पौधा है, फिर मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया। इसमें 3 शाखाएं थी, 1, 2 और 3, ये 3 छोड़ी थी हमने, और मैंने ये बताया था ये जो नीचे की तरफ निकली हैं, जो नीचे की तरफ निकली हैं दोनों, ये बोनस है, इनको मैं छोड़ दूंगा। अब आइए एक एक शाखाओं पर चयन करते। इस शाखा को देखो, इस शाखा में एक ये और जा रही है, जो बड्स निकली है, ये टहनी बन रही है, ये टहनी बन रही है, ये टहनी। इसके नीचे जो है ना एक छोटी है, इनको हम एक्चुअली इसको काट लेंगे। देखो, ये मैंने काट दिया इसको, क्योंकि अननेसेसरी इसको जो है ना ये ऊर्जा लेगी और इनको नहीं बढ़ती। अब देखिए, मैंने 3 टहनियाँ छोड़ दी, ये ईस्ट की तरफ जा रही है, इससे कोई झुकाव नहीं है, ये वेस्ट की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये तीनों एक दूसरे को कोई कंपटीशन नहीं है, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये इस तरफ जाएगी, ये उस तरफ जाएगी, तो हम इसमें तीनों को छोड़ देंगे। इसके बाद जो और है, ये नीचे देखिए, यहाँ पे जब मेरी उंगली है, ये नीचे देखिए, ये वाले, ये छोटी सी बड़ निकल रही, इसको भी हम हटा देते हैं। इस तरह हमने सिर्फ इस पर हमने 3 टहनियाँ रखी। आइए अब इस पर चलते हैं। ये देखिए, एक ये है यहाँ पे, इसको हम काट देंगे। ये चूंकि ये देखिए, ये इसको क्रॉस करेगी, जब इसको क्रॉस करेगी तो इसको प्रॉपर हवा धूप नहीं मिलेगी और ऊपर वाली को भी ये नहीं चलने देगी, ये इसको काट देंगे, ये हमने काट दिया। अब इस पर ये देखिए, और इसके बाद ये चल रही है, इसको भी हम काट देंगे, क्योंकि ये बहुत डेवलप नहीं है तो इसको भी हम काट देंगे। ये देखिए, अब कितनी अच्छी जगह हो गई है। इसके बाद ये वाली शाखा है, इसको भी हम काट देंगे यहाँ से। अब देखिए, ये प्रॉपर हो गई, इधर ऊपर जाएगी, इसको भी हम, ये जो ऊपर वाली है इसको भी हम काट देंगे। ये देखिए, इसको काट। अब इस पर कितनी बची हैं, एक ये बची है, इससे किसी का कंपटीशन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, और इसमें 3 बची हैं, देखिए 1, 2 और 3। अब इनमें से हमें ये जो 2 शाखाएं हैं इनमें हमें बहुत ध्यान रखना है। देखिए, ये इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है और ये इसको कट करेगी, तो हम अभी क्या करते हैं, इस वाली को हटा देते हैं, क्योंकि ये इसको क्रॉस करेगी। ये देखिए, अगर इसको हटाते हैं तो ये फिर इसको क्रॉस करेगी,
तो ये बड़ा ध्यान रखना है इसमें, और हम इसको यहाँ से हटा, ये देखिए ये हमने हटा दी। अब ये बच गई हमारी, ये दोनों जो शाखाएं हैं जो हमें बोनस के रूप में मिली थी, हमने नहीं सोचा था इनको चलने देंगे, ये इनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अब आइए इस पर, ये वाली शाखा चल रही है, इससे किसी का कंपटीशन नहीं है, इस वाली को हम छोड़ सकते हैं, ये ऊपर वाली को हम, छोटी सी है नहीं हो पाई, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें नीचे कितने बचे हैं, इसमें अब कोई भी हमारे पास ऐसी शाखा नहीं है जो हम इसको काटें। अब इसमें कितनी बची है, इसको चलने दीजिए, इसको भी चलने दीजिए, इसका कोई कंपनी, इसको भी चलने दीजिए, ये ऊपर की बहुत अच्छी। अब हमारी समस्या आती है कि हम इस वाली को रखें या ना रखें, ये वाली इसमें है तो हम क्या करते हैं, ये बहुत जड़ से है, इस वाली को हम हटा देते हैं, इस वाली को, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मत करिए, ये हमने हटा। अब आप ध्यान से देखिए इसको, किसी शाखा का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब जा रही हैं आपस में, इसमें हमने तीन छोड़ी हैं, इसमें हमने तीन छोड़ी हैं, एक दो तीन, और एक ये छोटी सी है, अगर ये चलती है तो इसमें हमने दो छोड़ी हैं, एक और दो, और दो हमने यहाँ रखे हैं, तो दो और तीन पाँच, और तीन आठ, और दो दस, दो और तीन पाँच, और तीन आठ, और दो दस। ये देखिए ये जो सबसे नीचे से लेते हैं, दो शाखाएं ये छोड़ी हमने, दोनों इस तरह से जाएंगी, जब यहाँ तक बड़ी हो जाएंगी हम इनको एक एक फिट की दूरी से काटेंगे, तो ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आइए इस वाली डंडी से जो हमारी ईस्ट की तरफ, इसमें हमने दो शाखाएं छोड़ी हैं, इसका किसी से कंपटीशन नहीं है, सीधी जाएगी इस तरफ, ये वाली जो फर्स्ट है इसको किसी से कंपटीशन नहीं है, ये ईस्ट की तरफ जाएगी। अब ये जो हमारी साउथ साइड की जो शाखा है, ये देखिए इसमें हमने तीन छोड़ी हैं, एक ये जा रही है पैरेलल, इसके पैरेलल जाएगी है, ये देखिए इसमें जा रही है, एक ये वेस्ट साइड में जा रही है, और एक ये आपकी साउथ में, अपर साउथ में जाएगी ऊपर की तरफ। अब ये जो लास्ट वाली बची है, इसमें भी देखिए एक ये ऊपर जा रही है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, एक ये आपकी साउथ वेस्ट में जा रही है, इसका कंपटीशन नहीं है, दोनों ऐसे चलेगी, यहाँ तक भी नहीं मिले, ये बनेगी, और एक ये हमने इसको वेस्ट की तरफ जा रही है, और एक हमने ये छोड़ी है गली को। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, हमने जो शाखाएं चुनी है, दो और तीन पाँच, और एक ये छः, और तीन नौ, और दो ग्यारह, इसमें एक छोटी सी है, इसको भी हटा देंगे, तो ग्यारह शाखाएं हमने इस छोटे से पेड़ पर, तीन से हमारी ग्यारह बन गई। इसके बाद ये देखिए ये जो शकर होते हैं थोड़े से, जो है ना ये अननेसेसरी जो नहीं चल पाती, इनको सब को हटा दीजिए, किसी को नहीं रखा। अब आप देखिए इसमें फूल, देखिए इसमें यहाँ पर कलियाँ आ रही थी, मैंने सिर्फ एक कली रखी है, यहाँ पर दो आ रही है, ये भी दो आ रही है, इनको मैं तोड़ दूंगा, ये जो कली है अभी हमें नहीं रखना है, पौधे की बढ़वार करनी है, ये देखे तोड़ दिया, इसमें भी आ रही है, इसको भी हमने तोड़ दिया, तो मैंने पहले एक दिन तोड़ दिया, ये देखिए इसमें भी आ रही है कलियाँ, ये तोड़ दिया। अब की बार ये देखना चाहता हूँ मैं कि ये कौन सी वेराइटी का अमरूद है, कौन सी प्रजाति, तो मैंने जो कलियाँ छोड़ी हैं, ये देखिए एक दो और तीन, तीन कलियाँ मैंने छोड़ी हैं, और अलग अलग शाखाओं पर छोड़ी। इस प्रकार आप अपने अमरूद का कैनोपी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये हुई आपकी कटाई छटाई की बात, जिसे हम साधारण भाषा में कटिंग बोलते हैं। अब इसमें नीचे देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा कि आज मैं इसमें, क्योंकि कटिंग कर गई, अब इनको तेजी से बढ़ना है, अब मैं इसमें आपको खाद दिखाऊंगा। मैंने घर पर ही जैविक खाद बनाया है, और वो कैसे बनाया है वो मैं बताऊंगा आपको। शाम को मैं इसमें वो खाद लगाऊंगा, और ये पौधा बड़ी तेजी से बढ़ेगा। मेरे पास किसान भाइयों, मेरे पास एक और पौधा है, आइए मैं उसको भी दिखाता हूँ, कि मैंने अक्सर कर जो किसान मेरे पास फोटो भेजते हैं, वो बहुत बड़े बड़े फोटो, वो लंबी लंबी डंडी काटते हैं। देखिए जहाँ से शाखाएं फूटती हैं, उसको जो पहला मेन तना है, उसके बाद जो शाखाएं चलती हैं, उनको अधिक से अधिक 1.5 फीट रखना है, लेकिन लोगों ने 5-5 फीट रखे, तो बहुत बड़ा पौधा होगा, तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आइए मैं आपको दूसरा पौधा देखिए, एक ये पौधा है मेरा, आप इसकी डंडी देखिए कितनी स्वस्थ, ये देखिए
इतनी स्वच्छ जमीन। अब आप इसमें देखिए, ये पौधा इतना बड़ा हो गया। पहले मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं इसकी शाखाएं रखना चाहता, तो मैंने देखा पौधा इतना बड़ा हो गया और पौधा हिलने डर गया। तो मैंने जब इसकी फरवरी में, 15 फरवरी को ही कटिंग की थी, ये नहीं दिखा था, ये देखिए यहां से इतनी मोटी डंडी मैंने इसकी काटी। और आप लोग तो डरते रहते हैं कि इतनी मोटी डंडी नहीं काटो, देखिए ये मैंने काटी थी और इसमें हल्का सा मैंने कोई लेप नहीं लगाया था, लेकिन टाइम सही था, फरवरी का टाइम था, 15 फरवरी का, और मैंने इसमें 100% बैक्टीरिया का छिड़काव किया। अब आप देखिए इसके बाद में यहाँ पर जितनी यहाँ पर कल्ले आए थे वो सब मैंने हटा दिए, और इसमें देखिए कितनी शाखाएं चल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इनमें से आज हम इसका चुनाव करते हैं। ये जो शाखाएं है इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, इस शाखा का किसी से कंपटीशन नहीं है, इस शाखा का किसी से कंपटीशन नहीं है, ये नीचे वाली शाखा है इसका नहीं। अब ये बची दो हमारी शाखा, तो ये देखिए अगर इन दोनों में से हम इसको रखते हैं जो थोड़ी सी मजबूत है वो इसके साथ कंपटीशन करेगी, और इसको रखते हैं तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं होगा। तो आप ये देखिए हम इसको ये इस तरह से काट, ये काट। अब हमारी ये शाखाएं देखिए, 2, 3, 4, 5, कितनी बढ़िया कैनोपी बनेगी इसकी। ये जो शाखाएं होगी जब इतनी बड़ी होगी, ये कम से कम इतनी बड़ी हो जाएगी, 2-2.5 फीट की हो जाएगी। जब मैं इसकी जून में कटिंग करूंगा तो मैं इसको यहां से कटिंग करूंगा, इसको यहां से करूंगा, इसको यहां से करूंगा, इसको यहां से करूंगा, और एक इतना अच्छा छत्रक बनकर आएगा कि हम सब इसके अमरूद खाकर बहुत ही खुश होंगे। तो ये है लगभग 60 दिन बाद कटिंग के, किस प्रकार किन शाखाओं का मैंने चुनाव किया मैं वो दिखाया है आज तक। तो बार बार ये न पूछे, ध्यान से हर पौधे को ध्यान से देखें और ये देखें हमें कौन सी शाखा का चयन करना है आगे रखने। किसान भाइयों अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इनके लिए जो मैंने खाद का प्रबंध किया बिल्कुल जैविक क्या किया है। आइए किसान भाइयों, पौधे हैं मेरे पास यहाँ पर तीन पौधे ये हैं और 3-4 पौधे मेरे पास बैंगन के हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा 20 लीटर का ड्रम, इस ड्रम में, इस बाल्टी में मैंने लगभग 1 किलो सरसों की खली डाल ली है, जो मेरे पास पीली सरसों है, मैंने घर पे निकलवाई थी, वो खली डाल ली, और इस खली को मैंने भिगो कर रख दिया, पानी में भिगो कर रख दिया, शाम तक ये बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट बन जाएगा, घुल जाएगी, और एक एक लीटर, लगभग एक एक लीटर मैं इन सब में डालू। ये देखिए इसका क्लोजअप दिखाइए कितनी अच्छी वो है, बड़ी अच्छी महक आ रही है, ये मैंने इसको बना लिया। वैसे तो मैंने खाद का प्रबंधन किया हुआ था इनमें अच्छी तरह, लेकिन शाम को मैं इसको अब दूंगा और 10 दिन बाद, मतलब प्रत्येक वीक इसको थोड़ा थोड़ा दूंगा, इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा, और जब ये पड़ेगी इसका छिड़काव भी करूंगा मैं, इनके ऊपर छिड़काव भी करूंगा, तो शाम को मैं इनकी जड़ में भी दूंगा और थोड़ा छिड़काव भी करूंगा, और इस तरह से प्रत्येक वीक के अंतराल में, यानी 1 सप्ताह के बाद में ये दूंगा, और फिर देखते हैं। किसान भाइयों ये जो विधि मुझे बताई है, ये मेरे एक मित्र हैं जो ये खल वाली जो विधि बताई है, देवी शंकर जाट की, उन्होंने मुझे बताई थी, और एक है गुरु हरप्रीत सिंह है यहाँ पर, इसके यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हैं, नैनीताल के पास जो रास्ता जाता है तो उस पर हैं, उन्होंने भी मुझे बताई थी कि त्यागी जी इसका छिड़काव भी करिए, बहुत अच्छा है, मैंने किया, तो मैं ये दोनों काम करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने उनको अपना ज्ञान साझा किया, उन लोगों ने भी मेरे साथ ज्ञान साझा किया, और उससे हम सब भी तरक्की होगी। इसलिए आपको जो विधि आती है वो दूसरे के साथ अवश्य साझा करें, जो नुकसान होता है उसको भी साझा करें, इससे हम सब की तरक्की होगी और देश की तरक्की होगी। अभी भी अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप सहर्ष मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।